नमस्कार, प्रणाम। मैं आदित्य गर्ग, आप देख रहे हैं इन खबर आईपीएल। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये मत भूलिएगा कि कोई टीम अगर 8 और 9 पायदान पे है तो उस टीम के जो मुकाबले होंगे वो कम कांटेदार या कम जोरदार मुकाबले नहीं होंगे। जी हाँ, रात का तो मैच आपने देखा ही होगा। वैसे हम अपडेट आज के मैच के बारे में करने आए हैं, लेकिन आपको थोड़ा कल जो क्या कुछ घटा वो आपको बता दें। जहां कलकत्ता बैटिंग करके 171 रन बनाई और जब एसआरएच बैटिंग करने आई तो लग रहा था कि एसआरएच ये मैच आसानी से जीत जाएगी। अब क्या कुछ घटता है जरा देखिए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को रोमांचक मैच में 5 रनों से हरा दिया। कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 172 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में हैदराबाद के खिलाड़ी 166 रन ही बना सके। इस मुकाबले का आखिरी ओवर वरुण चक्रवर्ती ने किया। उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से मैच बचा लिया। वरुण ने आखिरी ओवर में महज 3 रन देकर 1 विकेट लिए। इस ओवर में हैदराबाद को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी, लेकिन टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। अब ये तो थी कल जो मैच हो गई वो तो हो गई, आज के मैच के बारे में बात करेंगे। आज का भी मैच बहुत रोमांचक और कांटेदार होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि आज जो टीम जीतेगी वो नंबर वन पे है ही, लेकिन अगर राजस्थान जीतती है तो वो नंबर 1 पे जा सकती है, तो होर है नंबर 1 का। और सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज बहुत सारे रन पड़ने वाले हैं। दोनों ही टीमें कोई हारना नहीं चाहेगी, तो इस मैच के बारे में क्या अपडेट है जरा ये भी जान लीजिए। आईपीएल 2023 में आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। इस सीजन का 48वां मैच होगा। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाने वाला मैच शाम 7:30 बजे से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। राजस्थान रॉयल्स की टीम का कमान संजू सैमसन के हाथ में है, जबकि डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस की कप्तानी हार्दिक पांड्या करेंगे। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच इससे पहले सीजन में के पहले चरण में जब मुकाबला खेला गया था तब मैदान गुजरात का था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित हुए उस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने गुजरात टाइटंस को उन्हीं के घर पे चौंकाते हुए 3 विकेट से शिकस्त दी थी। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 178 रनों का लक्ष्य दिया था और राजस्थान की टीम ने सिमरन हेटवायर नवाज 56 के दम पर जीत हासिल कर ली थी। अब आज गुजरात टाइटंस की टीम अपने घर में मिली हार का बदला लेने मैदान पर उतरेगी। अब तक इस सीजन में 9 मैचों में 6 मैच जीतकर गुजरात 12 अंक के साथ सिर्ग पे है, जबकि राजस्थान 9 में से 5 मैच जीतकर 4थे पायदान पे है। अब जानते हैं कि आज के मुकाबले की पिच रिपोर्ट क्या कुछ कहती है और कैसा मौसम रहने का संभावना है। आज राजस्थान के धुरंधर और गुजरात टाइटंस के चैंपियंस जयपुर के जिस सवाई मानसिंह स्टेडियम पर टकराने वाले हैं, वहां अब तक इस सीजन में सिर्फ 2 मुकाबले खेले गए हैं। पहले मैच में लखनऊ की टीम ने राजस्थान को 155 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन राजस्थान की टीम ने 10 रन से मैच गवा दिया था। वहीं इस मैदान पर खेले गए दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग को 203 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था और चेन्नई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन ही बना सकी और 32 रन से मैच गवा दिया। दोनों मैचों के स्कोर और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजरें डालें तो ये साफ है कि बल्लेबाजी यहां पर जरूर रनों की बारिश कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, जिससे ये साफ है कि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को गेंदबाजों की कंजूसी का सामना करना पड़ेगा। गेंदबाजों में यहाँ स्पिनर्स और तेज गेंदबाज दोनों को ही बराबर सफलता मिलती है। जहां तक मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से जहां बारिश हो रही है और बारिश का खतरा अभी मंडराता रहता है, लेकिन अभी राजस्थान में उमस है, बारिश की ज्यादा कोई संभावना नहीं है। अब जब मैच स्टार्ट होगा उससे पहले जो कुछ अपडेट होगा आपसे साझा करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इन खबर।